म्यूजिक तो है गाइस, इट्स मी सिंह, वेलकम बैक टू एस्केमिक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस तरह का एक 3D बर्थडे स्टेटस वीडियो कैसे बनाए जाते हैं वो देखेंगे। अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है। मैं बहुत ही सिंपल वे में हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा, तो गाइज आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, एकदम से ईजी वे में आप लोग बना सकते हो, ठीक है। एंड इस वीडियो को बनाने के लिए जो भी मेटेरियल यूज करूंगा सारा कुछ आप लोग डिस्क्रिप्शन एंड टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग बहुत आसानी से दोनों जगह से ही डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज चलिए इस तरह का वीडियो कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। तो गाइज इस तरह का एक 3D बर्थडे स्टेटस वीडियो आप लोग अगर बनाना चाहते हो तो बहुत ही एक सिंपल टास्क है, मैं बहुत ही इजी वे में आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे इस तरह का वीडियो बनाया जाता है। तो गाइज आप लोग सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, मैं बहुत ही इजी वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट न्यू पर टच करना है, उसके बाद 4:5 ये वाला रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर टच करें। अब गाइज यहाँ पर फर्स्ट आप लोगों को बैकग्राउंड पिक्चर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, देखिए ये एक बैकग्राउंड पिक्चर है, इसे आप लोग इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद गाइस इसे खींच के आप लोग को 30 सेकंड तक कर लेना है। तो गाइस देखिए 30 सेकंड हो गए। अब आप लोगों को यहाँ पर एक लेयर पर टच करना है, मीडिया पर टच करना है, यहाँ पर गाइस एक और PNG है उसे आप लोगों को ऐड करना है। तो देखिए ये PNG इसे ऐड कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। ऐड करने के बाद इसे खींच के देखिए वीडियो को लास्ट तक करना है इस तरह से, ठीक है, लास्ट तक हो गया। अब गाइस आप लोगों को लेयर पर टच करना है, मीडिया पर टच करना है, यहाँ पर देखिए और एक PNG मिलेगा उसे आप लोगों को इस तरह से ऐड कर लीजिए। तो देखिए ये PNG है, इसे आप लोग इसे कोने में इस तरह से सेट कर लीजिए, ठीक है, इस पोजीशन में, ठीक है। अब गाइज आप लोग इसे खींच के वीडियो को लास्ट तक कर लीजिए। लास्ट तक हो जाने के बाद गाइज आप लोगों को 15 सेकंड पे आना है, देखिए यहाँ पर 15 सेकंड हो रहा है। तो इस जगह पर आने के बाद इस फोटो पर टच करें, यहाँ पर जो चाबी का आइकॉन है इस पर टच करना है, प्लस के आइकॉन पर एक बार टच करना है, इसे इस तरह से स्लाइड करके इस पोजीशन में ले आना है, ठीक है। तो गाइज देखिए इस तरह से ये स्लाइड होगा, बहुत ही बेहतरीन लगता है। अब गाइज लेयर पर टच करना है, मीडिया पर टच करना है, यहाँ पर गाइज फिर से उसी वाले PNG को आप लोगों को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद गाइज इसे देखिए नीचे इस तरह से फिर से सेट करें, एंड यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑप्शन है रोटेट वाला, इस पर टच कर लीजिए एंड इस वाले ऑप्शन को टच कर लीजिए, तो ये अपोजिट साइड में हो जाएगा, ठीक है। अब इसे देखिए इस तरह से सेट करें, एंड यहाँ पर गाइज इसे भी खींच के वीडियो का लास्ट तक कर लीजिए। एंड यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो पिक्चर है, देखिए यहाँ पर आप लोग बीट लगाए हो तो नीचे वाले पिक्चर पे भी टच करें, चाबी के आइकन पे टच करें, प्लस के आइकन पे टच करें, इस तरह से इसे भी स्लाइड कर लीजिए, ठीक है। तो मैं प्ले करके दिखाता हूँ कैसा हो रहा है, आप लोग देखिए। तो देखिए इस तरह से ये आएगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन एक लुक लगता है। अब आप लोग लेयर पर टच करना है, मीडिया पर टच करना है, यहाँ पर गाइस जिसका आप लोग बर्थडे स्टेटस बनाना चाहते हो उसका कुछ पिक्चर आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट इस पिक्चर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस ऐसे बैठा हुआ एक पिक्चर आप लोगों को जरूरत होगा। एंड देखिए इस पिक्चर का बैकग्राउंड मैंने रिमूव करके रखा है, बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाता है आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक से आप लोग को पता चला जाएगा कि कैसे किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है। तो इस पिक्चर को गाइज आप लोग खींच के इस तरह से वीडियो का लास्ट तक कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर और दो PNG आप लोगों को पिक्चर लगेगा, तो आप लोग इसके लिए लेयर पर टच करें, मीडिया पर टच करें। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर फोटो ऐड कर लेता हूँ, फर्स्ट इस फोटो को ऐड करता हूँ इस तरह से, थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर लेता हूँ एंड इस पोजीशन में से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसे खींच के वीडियो को लास्ट तक करना है, देखिए इस तरह से लास्ट तक हो गया ये। अब गाइस आप लोगों को फिर से और एक पिक्चर है उसे ऐड करना है, एंड देखिए सभी पिक्चर का जो बैकग्राउंड है मैंने रिमूव करके रखा है, तो आप लोग भी रिमूव कर लीजिएगा बैकग्राउंड, आप लोग अगर पता नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। तो देखिए इस तरह से दोनों पिक्चर को मैंने ऐड कर लिया, आप लोग चाहो तो इसको रोटेट कर सकते हो, यहाँ पर टच करने के बाद इस तरह से, तो देखिए रोटेट हो जाएगा तो और भी बेहतरीन लगेगा देखने में। अब इसे खींच के वीडियो को लास्ट तक कर लीजिए, तो गाइज देखिए लास्ट तक हो गया है। तो इतना तक होने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर और एक PNG है उसे ऐड करना है, तो उसके लिए लेयर पर टच करें, मीडिया पर टच करें, एंड गाइज ये जो PNG है इसे आप लोग ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद नीचे इस तरह से सेट कर लीजिए, ठीक है। अब इसे खींच के वीडियो को लास्ट तक कर लीजिए, तो लास्ट तक हो जाने के बाद गाइज आप लोगों को इस वीडियो को सेव करना है एंड 3D जूम इफेक्ट देना है, तो इसके सेव करने के लिए यहाँ पर टच करें एंड इस तरह से सेव कर लीजिए। तो गाइज सेव करने के बाद आप लोगों को 3D जूम कैसे देना है मैं बताता हूँ आप लोगों को।
तो गाइस वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है, तो आप लोगों को बैक आना है और एक बार बैक आना है, यहाँ पर क्रिएट न्यू पर टच करना है। यहाँ पर देखिए 4:5 इस वाले ऐसे को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पर टच करना है। अब गाइस यहाँ पर इमेज पर टच करने के बाद एक ब्लैक कलर का इमेज सिलेक्ट करना है, इसे खींच के आप लोगों को 30 सेकंड तक कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 30 सेकंड तक इसे कर लिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लेआउट पर टच करना है, मीडिया पर टच करना है, और आप लोगों ने जो अभी एक्सपोर्ट किया उस वीडियो को ऐड करें। ऐड करने के बाद गाइस आप लोगों को इस तरह से जूम करके किसी भी एक फेस पे आप लोग फोकस करें। तो देखिए मैं इस फेस पे फोकस कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोग ट्रिम टू राइट प्लेट कर लीजिए। अब देखिए इस फेस पे फोकस करने के बाद यहाँ पर जो चाबी का आइकॉन है, इसका सारा कुछ खेल है अभी, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो चाबी का आइकॉन पर टच करें, यहाँ पर गाइस 2 सेकंड पे आइए। आने के बाद गाइस प्लस के आइकॉन पर टच करें, इस तरह से इधर का स्लाइड कर लीजिए एंड इस फेस को फोकस करें। अब गाइस थोड़ा सा आगे देखिए, 2 सेकंड के थोड़ा आगे आप लोगों को प्लस का आइकॉन पर टच करना है। इस तरह से देखिए नीचे की तरफ ले आना है, ठीक है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा 4 सेकंड पे आप लोगों को इस तरह से स्लाइड कर लेना है, ठीक है। तो गाइस मैं प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से हो रहा है। तो देखिए इस तरह से स्लाइड होगा, अब गाइस नीचे जाएगा एंड नीचे जो ऑडियंस वाला पीएनजी है उसको फोकस करेगा। अब थोड़ा सा आगे आइए, आने के बाद गाइस फिर से प्लस का आइकॉन पर टच करें, इस तरह से ऊपर में आइए। ऊपर में आने के बाद गाइस आप लोगों को फिर से एक बार स्लाइड करना है इस तरह से। तो गाइस देखिए यहाँ पर स्लाइड हो गया है। तो गाइस यहाँ तक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर फिर से चाबी के आइकॉन पर टच करना है एंड थोड़ा सा आगे आते ही इस तरह से देखिए जूम को डिक्रीज करना है। जूम को डिक्रीज करने के बाद मेन कैरेक्टर पर अभी भी फोकस आप लोगों को नहीं करना है, एकदम से नीचे आना है, ठीक है। अब गाइस आप लोगों को फिर से फर्स्ट वाले पिक्चर पर फोकस करना है एंड थोड़ा सा आगे आते इस तरह से इस वाले फोटो पर फोकस कर लीजिए। एंड यहाँ पर गाइस इस तरह से देखिए बीच में ले आइए एंड यहाँ पर आप लोगों को ऊपर की तरफ ले जाइए, थोड़ा सा आगे इस तरह से जूम करें। ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये आप लोग खुद ही कर सकते हो, क्योंकि जूम इन जूम आउट ऐसा इफेक्ट देना होता है, बहुत ही सिंपल होता है ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है एंड इसमें दिखाने लायक भी कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा अभी तक हुआ है। तो गाइस देखिए मैं प्ले कर रहा हूँ, तो देखिए इस तरह से ये फर्स्ट दोनों फेस पे फोकस होगा, उसके बाद ऑडियंस पे फोकस होगा। अब गाइस आप लोग देखिए ऊपर में जो स्टार लगे हुए हैं उस पर फोकस होगा। अब यहाँ पर गाइस इस तरह से ऑडियंस पे फोकस होगा, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस एंड अब मैन कैरेक्टर पे आप लोगों को फोकस होगा, इस तरह से जूम होगा थोड़ा सा। तो गाइस इस तरह से आप लोगों को पूरे वीडियो में जूम इन जूम आउट इफेक्ट को दे देना है, बहुत ही सिंपल एक टास्क है, आप लोग बहुत आसान से कर सकते हो, आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो गाइज अब आप लोग को यहाँ पर ऑडियो ऐड करना है, तो उसके लिए लेआउट पर टच करें, मीडिया पर टच करें। ये जो वीडियो है देखिए, इस वीडियो का जो ऑडियो है इसका आप लोग इस तरह से एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लीजिएगा, तो ऑडियो जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को डिलीट कर लीजिएगा एंड ये वीडियो आप लोगों को मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो ऑडियो भी आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। तो गाइज आज का वीडियो देखता है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करेगा, आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।